हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मैं आज ब्लॉग इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि आप लोग, मेरी गलती है, मैं ना, मेरे पर टाइम नहीं मिला तो मैं ना लाइव आ रही हूँ कई दिन से, और ना ही मेरे को कोई सपोर्ट मिल रहा था। इस वजह से थोड़ा मन ढीला हो गया था। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये दुनिया ना मतलब एकदम गंदे लोगों की है, गंदे लोगों की, जैसे गंदे गंदे लोग होते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोग एक ऐसे हैं, मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, तो इंसान अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाता है, और उस धर्म को अगर कोई चीज़ हम देते हैं तो वो इंसान उस पहले उसी धर्म का इंसान होता है। अगर हम किसी को अपने धर्म के प्रसाद देते हैं तो लोग उस धर्म को कहते हैं, पहले उसी भगवान ने दिया है हमको सब कुछ, और वही भगवान का हम प्रसाद लेने के लिए कहते हैं, दूर रखो उस प्रसाद को, दूर रखो। तो आप मुझे एक बात बताइएगा फ्रेंड कि ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में? पहले भगवान, मतलब अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, मतलब आप भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं करते हैं तो आप अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आप बताइए, तो अपने माँ बाप पे आप करते होंगे भरोसा? तो मैं ऐसे लोगों से सख्त नफरत करती हूँ। एक मालती चौहान और विष्णुराज को देखिए, गोरखपुरी वाली भाभी जी को देखिए, यूं 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 कहीं भी मार लेती हैं ठूं के। तो ये अपने आप को भी, वो पहले ऐसी वीडियो बनाती थी, और आज चाहे कितना भी इंसान कितना भी शरीफ बने उसके नहीं कह सकते। और मैं क्या आ रखी थी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं क्या आ रखी थी छठ पूजा में, और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ही सर पे दौरा ले गई थी और मेरा ये सब दर्द सा हो रहा है मतलब। और मेरे घर में और कोई नहीं था, कि छोटी सिस्टर थी उसकी तबीयत ही खराब हो रखी थी, तो मेरे को बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। और फिर छोटे वाली सिस्टर ने बहन भाई बाबू को ले लिया था, पैदल जाना पड़ता था बहुत दूर, और फिर मैं ना फ़ोन पकड़ पाई थी क्योंकि दौरा पकड़ थी, इसलिए ना मैं कोई ब्लॉग बना पाई ना कुछ बना पाई फ्रेंड। और बाकी आप लोग मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, कोई बात नहीं, 1 साल तो मेरा होने ही वाला है कुछ दिन में, तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मैं 1 साल और मेहनत करके देखूंगी। पर इंसान कहते हैं हिम्मत नहीं आना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता ना, छोटा बच्चा है, काम में इतना थक जाती हूँ, फिर यही लगता आराम कर ले, वीडियो नहीं बनाए। बीच में लाइव भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था फ्रेंड। और बाकी आके अब मेहनत करेंगे थोड़ा, और कह सोचते हैं मेहनत करने को नहीं कर पाते। और बाकी आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, ज़िंदगी में बस परेशानी है फ्रेंड, बस और कुछ नहीं है। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का? देखिए बाबू रो रहा मम्मी को देख के, और बाकी जा रहे, सामान इतना फैला भरा है ना हमारा पूरा घर, वो सुबह से ही काम करके भी निपटो, थोड़ा सो रहे सभी इतने थक गए, बहुत ही ज़्यादा लगा, ये काम ही नहीं निपट रहा घर में, इतना काम हो गया है कि बहुत ज़्यादा, और मैं तो इतना थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और बाकी आप लोग बताइए आप लोगों का छठ कैसे रहा और कैसे बीता? जो बिहार का साइड है उनको पता होगा, उनके घर पे होती होंगी छठ, तो और बताइए आप लोगों को छठ कैसे बीता? और हमारा भी सही बीता है, हमारे मायके में होता है छठ, और मैं माँ के घर आती हूँ अपने छठ मनाने के लिए। और बाकी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए मुझे, और मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। सबको बाय, नमस्कार, दिल से अपने अपने घर स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।